अस्सलामु अलैकुम कॉलर ड्रॉ के लेसन में खुश आमदीद व्यूवर्स। आज के लेसन पे हम एडवांस लेवल पर बटन बनाना सीखेंगे। बटन्स जाहिर है जो लोग नेट के यूज़र हैं उनको काफ़ी मददगार साबित होता है। चूँकि हमने अपने सॉफ्टवेयर पर जो लेसन हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर वेब डेवलपमेंट के हवाले से भी अगर हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं तो वो भी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको एक और थिंक देंगे कॉलर ड्रॉपर। अगर वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर कोई वर्क कर सकें आप तो किस तरीके से किया जाता है। चलते हैं लेसन की जानिब। एडवांस प्रोजेक्ट है, बटन बनाएंगे आज। स्टाइलिश बटन होगा और काफ़ी दिखने में भी बेटर होगा। तो चलते हैं नॉर्मली वे पर। मैं आपको एक सर्कल पर बटन बनाना सिखाऊंगा। आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स को राउंड करके कर्व करके भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। स्टेप्स आप जो यूज़ करें। तो सबसे पहले तो मैं एलिप्स टूल एक्टिव करूँगा, ठीक है, और एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल एंड कमांड शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। पी प्रेस करते हैं ताकि पेज के सेंटर पर आए। पिक टूल, कलर ग्रीन रखा हमने, आउटलाइन ख़त्म कर दी। पिक टूल सेलेक्ट है, प्लस के साइन वाला की दबाएं ताकि इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए। डुप्लीकेट क्रिएट हो चुकी है, इस पर जस्ट आप ब्लैक कलर कर दें, ठीक है। ब्लैक कलर करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरएक्टिव टूल के बॉक्स में लास्ट ट्रांसपेरेंसी, और इसके टाइप को हम रेडियल। सो रेडियल मोड बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं करेंगे। पिक टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका व्यू देख सकते हैं आप। तो इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो हमारा लास्ट स्टेज है। सो हमने क्या करना है, तो हम अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक किया हमने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इस पर हम प्लस के साइन वाला की प्रेस कर देंगे। इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो चुकी है नॉर्मली वे पर, बट इसमें से हमें अपनी ट्रांसपेरेंसी को हटाना, तो ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसपेरेंसी है और इसके टाइप को हम यहाँ से नन कर देंगे। ओके, नन करने के बाद जस्ट इसके कलर को हमने यहाँ से वाइट करनी है। वाइट करने के बाद अगर इसके आउटलाइन है तो उस आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए। शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। क्लियर, काफ़ी है, इतना बेटर। अच्छा, अब हमें इसको दो हिस्सों में थोड़ा सा स्टाइलिश करके दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो उसके लिए मैं बिजायर टूल एक्टिव करूँगा, ठीक है। बिजायर टूल एक्टिव करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। शेप टूल, राइट क्लिक एंड देन टू कर्व। ओके व्यूअर्स, स्टेप्स बहुत ही इजी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी का सामना करना पड़े, ठीक है। पिक टूल सेलेक्ट करते हैं, लाइन हमारा सेलेक्ट है। शिफ्ट के साथ अपने वाइट वाले ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम सेलेक्ट कर लिया और जस्ट यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमारा जो वाइट वाला ऑब्जेक्ट था वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। जस्ट आप इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट करें, ठीक है, और इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। देखें यहाँ पर ये मज़ीद नोट्स नज़र आ रहे होंगे जो इस बात की इंडिकेटिंग कर रहे हैं कि दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, लेकिन इन्हें हम अलग अलग कैसे करेंगे। सिंपल है, अरेंज एंड देन ब्रेक कर्व अपार्ट। क्लियर, ये देखें ये लाइन यहाँ पर आपको आप वाज़े तौर पर नज़र आ रही होगी। इसे सेलेक्ट करते हैं एंड देन डिलीट कमांड यूज़ करते हुए डिलीट कर दिया हमने। देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइट कलर का ऑब्जेक्ट काफ़ी स्टाइलिश जो लग रहा है। व्यूअर्स, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम इसमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल एक्टिव किया हमने, क्लिक एंड देन ड्रैग। ओके ओके व्यूअर्स, पिक टूल। व्यूअर्स, हमारा बटन जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्लियर, और इसी के साथ
मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करना है तो अपने होल ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, प्लस के साइन वाला की प्रेस करते हैं, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो चुकी है, शिफ्ट F4 दबाते हैं, इसकी डुप्लीकेट यहाँ पर प्रेस करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हुए ग्रुप कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम अपने ब्लैक ट्रांसपेरेंसी हमने जिस पर अप्लाई की थी उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं नीचे की जान ड्रैग करूँगा तो हमारा ये ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सामने मौजूद है इसको मैं जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ग्रीन वाले मैंने आउटलाइन पर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसकी मैं अब कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर जस्ट मजेंडा कलर अप्लाई करूँगा, मजेंडा कलर में राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे, ओके ओके, और हम अपने इस कंट्रोल जेड, थोड़ा जूम करके काम करते हैं ताकि बेटर तरीके से काम हो। अब इस आउटलाइन को पकड़ते हुए अपने सही पोजीशन पर एडजस्ट कर देते हैं, शिफ्ट F4। के व्यूअर्स, इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमने बटन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। मज़ीद इसको इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्ट यूज़ करूँगा। इम्पोर्ट से मैं डेस्कटॉप ही रहने देते हैं, इमेजेस पे चलते हैं, ये वाली पिक को उठाते हैं, क्लियर है। इम्पोर्ट करने के बाद व्यूअर्स हमने बिट मैप पे चलना है, ट्रेस बिट मैप, ओके, ट्रेस एंड देन बाय एडवांस आउटलाइन, क्लियर। सेव करेंगे, मैं लोकेशन डेस्कटॉप ही रहने देता हूँ और नाम इसे दे देता हूँ ट्रेस, इसे कैंसिल कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम डिलीट कर देंगे। इम्पोर्ट यूज़ करें नाज़रीन, ज़्यादा बेटर है कि आपके मौजूदा स्टेज पर ही आपका वो ट्रेसिंग का ऑब्जेक्ट जो है अपेयर होगा, अदरवाइज़ अगर आप ओपन फाइल करेंगे तो वो एक नए विंडो के साथ वो ओपन होगी। ट्रेस, ये देखें, इम्पोर्ट, क्लिक हियर, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, अनग्रुप करेंगे, वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया हमने। सिलेक्ट करेंगे होल डॉक्यूमेंट को और यहाँ पर लेकर आकर, ये देखें नाज़रीन, यहाँ पर कुछ वाइट हिस्सा है जो बुरा लगेगा, इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर था मेरा ख्याल है, हाँ ये हिस्सा था, डिलीट, ओके, सिलेक्ट करते हैं, अब लेकर आते हैं, जी हाँ, अब परफेक्ट है। सो इसके साइज़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए मैं डाउन साइड लेकर गया और ग्रुप कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट के पीछे है, नो प्रॉब्लम। अरेंज पे चलते हैं, ऑर्डर पर चलते हैं, टू फ्रंट, ठीक है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया है, कंट्रोल एंड कमांड डी से डुप्लीकेट, और हम इसको यहाँ लेकर आते हैं, इस पर हम वाइट कलर अप्लाई करें, ठीक है, और इन दोनों कमांड्स को काम करते हैं, फर्दर फर्दर इनको ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, सेंटर, सेंटर अप्लाई, सेंटर में ही था टॉप, के एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट ऑफ पेज, सेंटर एंड देन सेंटर, बेटर, इसकी भी एक और डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं व्यूअर्स। और बटन तो वैसे हमारा क्रिएट हो चुका है, ये तो जस्ट थोड़ा बहुत मैं एट्रैक्टिव बनाने के लिए ये तमाम ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ।
सो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरीके से हमने अपने कॉलर ड्रॉपर वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से एक बटन क्रिएट किया जो काफ़ी बेटर लग रहा है, और इसके स्टेप्स काफ़ी आसान थे व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले लेसन पर हम अगले प्रोजेक्ट के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।